नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुल्स वर्सेस टाइगर्स के बीच जो होने वाला है पंडिचेरी T20 का आज का दिन का पहला मैच। और इस सीरीज़ में ना ये थर्ड मैच होगा जहां पे एक न्यू टीम खेलेंगे। कौन सा टीम? TIG बहुत ईजी है, टाइगर्स। BUL है बुल्स, ठीक है। बुल्स करेंटली एक मैच चल रहा है तो उनके बारे में तो डिस्कस करूंगा, बट ये जो वीडियो होगा ना इसमें सबसे ज़्यादा आपको डिस्कशन मिलेगा टाइगर्स के बारे में। और इसके बाद सेम मैच का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो समरी वीडियो होगा, मैं बाद में उस पॉइंट में आऊंगा। काइंडली आप लोग वीडियो अंत तक देखना, खास करके अगर आपको टाइगर्स के बारे में जानना है अच्छे से कौन सा पंथ पिक्स बनेंगे। देखो फिलहाल जो मैंने कम्बिनेशन क्रिएट किया मैं आपको समझा रहा हूँ, सिलेक्शन बहुत लेस दिखेगा। ये दोनों सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, खास करके के अरविंद बहुत एक्सपीरियंस है, बट करेंटली अगर देखोगे T10 में आर रघुपति वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन थे, हाई स्ट्राइक रेट और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन में से एक, ठीक है। पारस रत्नापार के हैं, एस जसवंत है और गाइस हमारे पास आर विजय। ये पांच मेरी टीम का कोर बनेगा, किससे गाइस? टाइगर्स से। एक एक पॉइंट एनालिसिस आपको मिलेगा इस वीडियो में, काइंडली वीडियो आप अंत तक देखना, साथ ही साथ कंफर्म करना है ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस मैच का और इस सीरीज़ का कंप्लीट कवरेज जो होगा वो आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल में आपको डोमेस्टिक मैचेस लाइक पंडिचेरी T20 हो गया, ECS के मैचेस होंगे, अदर एसोसिएट्स कंट्रीज के इंटरनेशनल मैचेस एंड जो बड़े इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना उसको मैं डेमो अपडेट दिया करता हूँ, बाईसेल पिक्स दिया करता हूँ और डुओ पिक्स दिया करता हूँ कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो जुड़ जाना टेलीग्राम, इसके लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में जो लिंक मिलेगा उसको यूज़ कर सकते हो, इजी लिंक है, लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। और अगर लिंक काम नहीं किया तो सर्च कर सकते हो @ लगा के TeamSMDF। मैं आता हूँ इस मैच के एनालिसिस में, सबसे ज़्यादा जोर हम लोग देंगे टाइगर्स के ऊपर और इसके बाद हम लोग ना बुल्स को भी एक समर अप करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो बाद में गाइस अपलोड होगा क्योंकि करेंटली बुल्स वाला मैच चल रहा है। टाइगर्स से ध्यान दोगे कि अरविंद ओपन करेंगे रघुपति के साथ, पारस रत्नापार के वन डाउन, फिर मथाबन, फिर जय कार्तिकेयन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। कौन सा प्लेयर? इनका टॉप फोर सबसे अच्छा एंड इंपॉर्टेंट पिक्स। अब देखो मथाबन विकी सेक्शन में ना ये T10 फॉर्मेट में एज ओपनिंग भी ओपनर भी प्ले किया, मिडल ऑर्डर में भी प्ले किया, बट अगर आप इस टीम में देखोगे तो आइडियली गाइस मुझे लगता है मथाबन मिडल ऑर्डर खिलाएगा और ओपनिंग कराएगा के अरविंद, जो आइडियल ओपनर है रघुपति के साथ वन डाउन पारस रत्नापर के। मथाबन जब लास्ट 2021 सीजन हुआ था पंडिचेरी T20 उसमें एज मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही खेले थे, 15 मैच में T10 में 19 का एवरेज से 251 रन। अब देखो ये जो बंदा है ना इसको हम लोग बैटिंग फर्स्ट जरूर लेंगे क्योंकि टू डाउन के बैट्समैन T20 फॉर्मेट में अच्छा है, T10 फॉर्मेट में भी ड्रॉप करेंगे, बट चेजिंग के टाइम पे टू डाउन थ्री डाउन के बैट्समैन थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो सेकंड इनिंग्स में हम लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। कार्तिकेयन 14 मैच में 141 रन, अगर बड़े प्लेयर्स नहीं खेलते तो ये एज ओपनर या फिर टॉप ऑर्डर खेलेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर दो। आर सवारी 5 मैच में 841 रन, टाइम वेस्ट मत करना। मुरुगन सेम बात कर रहा हूँ, देखो कोई भी प्लेयर ऑड प्लेयर आके ना बड़ा इनिंग्स खेल सकता है, बट हमें अगर रिकॉर्ड देखना है तो सवारी मुरुगन का खास नहीं है तो हम लोग देखेंगे नहीं ज़्यादा। रघुपति देखो 14 मैच में 41 का एवरेज, सोच रहे हो T10 का मैं बात कर रहा हूँ, 41 का एवरेज 412 रन, तो इससे इसको ड्रॉप करने का तो छोड़ ही दो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। एम शिवा मुरुगम 12 मैच में 15 का एवरेज से 174 रन है बंदे का, मिडल ऑर्डर खिलाता है। के अरविंद 13 मैच में 22 का एवरेज से 287 रन, बहुत अच्छे प्लेयर है, फॉर्म में थोड़े से ऑफ लगे मुझे, बट स्टिल देखो 22 का एवरेज से T10 में रन बना रहा है, तो ये T20 में ना आप इसका ना 150% कर दो, मतलब 33 का एवरेज। एस जसवंत 12 मैच में 22 ओवर 11 विकेट, ये ऑलराउंडर नहीं है गाइस, प्योर श्योर शॉट बॉलर है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स दोनों कंडीशन में रखो, जेल में कैफी से बनाओ। पारस रत्नापार के देखो ये ना बैटिंग ऑलराउंडर है, 12 मैच में 23 के एवरेज से 211 रन, T10 में 12 मैच में 24 ओवर डाल सकता है दो ओवर करके, इन्होंने 13 डाला, मतलब ये आधा ओवर डालता है, मतलब ओवर कंप्लीट ही कराता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बैटिंग ऑलराउंडर है। और जसवंत जो है ना वो श्योर शॉट बॉलर है। शिवा कुमार 11 मैच में 19 ओवर में 9 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि क्या करते हैं राइट आर्म मीडियम, डेथ में आ सकते हैं। जूलियन जैकब जीएल पिक बनेगा, 7 मैच में 24 ओवर में 6 विकेट, कब? 2021 जो सीजन हुआ था ना पंडिचेरी T20 का उसका मैं बात कर रहा हूँ। मल्लादी सुब्रमण्यम शर्मा T10 खेल के आ रहे रिसेंटली, 7 मैच में 12 ओवर में 2 विकेट, गैस T10 मतलब पंडिचेरी T10 जो कुछ दिन पहले हुआ था उस सीरीज का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिन नहीं कुछ एक महीने भी शायद नहीं हुआ होगा। 7 मैच में 12 ओवर में 2 विकेट, देखो 7 में 14 डाल सकता था बंदे ने 12 डाला है। आर विजय प्रमुख बॉलर 14 मैच में 28 ओवर, श्योर शॉट देख रहे हो ना, हर मैच में ओवर कंप्लीट है, 8 विकेट है, विकेट थोड़ा कम है बट मैं बॉलिंग फर्स्ट रखूंगा क्योंकि डेथ ओवर कराता है।
के मदन कुमार 9 मैच में 9 विकेट राइट आर्म मीडियम है। साई शरण राइट आर्म मीडियम 11 मैच में 7, यतीश कुमार 14 मैच में 7 विकेट। विकेट टेकिंग एबिलिटी देखना आप, इन सभी प्लेयर्स का थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। मदन कुमार बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो। राजाराम कभी कभार ना ये एज ओपनर प्ले किया था, बट आइडियली ये ओपनर है नहीं तो फिलहाल ज़्यादा सोचेंगे नहीं। गाइस बुल्स ना करेंटली एक मैच खेल रहा है, बट स्टिल इनके जो कुछ प्लेयर्स हैं ना हमें लेना पड़ेगा, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कि विघ्नेश मरिमुथु 14 मैच में 25 के एवरेज से 327 रन है, 12 ओवर में 10 विकेट। गाइस प्लेयर अच्छा है विघ्नेश, आपको लेना पड़ेगा और स्टेट लेवल प्लेयर है। विकी सेक्शन में देखना एस नायडू बोल के एक प्लेयर है, फर्स्ट मैच में क्या रिजल्ट आता है, कितना रन बनाता है, मेरे हिसाब से ज़्यादा मैं तो नहीं फॉलो करता हूँ, मैंने ओवरऑल स्टैट देखता हूँ। तो नायडू अगर बॉल बैटिंग फर्स्ट हुआ आपके लिए बढ़िया पिक है, क्योंकि आपको वन डाउन से टू डाउन बैटिंग करते हुए देखेंगे। ओपनिंग भी प्ले कर सकते हैं, बट इनका जो आइडियल पोजीशन है वो है वन डाउन। 21 का एवरेज से T10 में 251 रन था बंदे का, अच्छा खासा गाइस खेला था गाइस ये प्लेयर, तो आप जरूर इनको ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। गाइस नीचे से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं गाइस वो होंगे, आप अगर देखोगे भूपेंद्र चौहान जनता का हाईली सिलेक्टेड प्लेयर, 13 मैच में 13 विकेट है इनके पास। गाइस जय पांडे जो बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे, एंड आई थिंक बैटिंग सेक्शन से किसी ना किसी प्लेयर को लेना पड़ेगा। और इनका एवरेज देखो 11 मैच में 23 का एवरेज है ना, 233 रन है, तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन? जय पांडे। तो जरूर ट्राई करेंगे हम लोग इनको अपनी टीम में, इस टीम से। गाइस ये जो टीम है ना इनका मुझे बैटिंग से भी ज़्यादा बॉलिंग अटैक अच्छा लग रहा है, क्योंकि पंडिचेरी स्टेट लेवल एक्सपीरियंस एस उदेशी है, लिफ्टम ऑर्थोडॉक्स एंड वेंकटेश्वरन बॉलिंग फर्स्ट आपके लिए जहर पी, क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। पूवी रासन डेथ ओवर में डाल सकता है। भरत भूषण शर्मा एक स्टेट लेवल प्लेयर है, तो इनके पास दो स्टेट लेवल स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक राइट आर्म ऑफ स्पिन, और दो अच्छा खासा राइट आर्म मीडियम है। खास करके देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रहा है तो राइट आर्म मीडियम को लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डेथ ओवर में डाल सकता है, ऐसा नहीं कि डालेंगे बट डाल सकते हैं, तो इसलिए ट्राई करेंगे हम लोग। और ये जो टीम है ना इनका जो बैटिंग यूनिट है मेरे हिसाब से स्लाइटली हिट और मिस नेचर के प्लेयर है, लाइक नायडू हो गया, मरिमुथु हो गया, श्रीनिवास हो गया, सभी प्लेयर्स जो है ना थोड़े हिट और मिस नेचर के प्लेयर है। अब चलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, पहला मैच खेल के आ रहा होगा हम लोग, उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा और उसके ऊपर बेस करके मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा, उसका लिंक भी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। इस मैच का भी फाइनल अपडेट, डेमो टीम वगैरह और फ्यूचर मैचेस के कवरेजेस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। फिलहाल इस टीम से मैंने जो प्लेयर्स मस्ट पिक बना के रखा ना वो है ये 5। अब इनके साथ मैं ऐड करूंगा मथाबन को और 6 हो जाएगा अगर इनका बैटिंग फर्स्ट हुआ, ठीक है। स्टिल आप अगर देखोगे तो मैंने जो टीम क्रिएट किया वो रहा ये, जहाँ पे VCA रघुपति, कैप्टन है पारस रत्नाबरके, इस टीम से मरिमुथु, जय पांडे, और मैंने इनका बॉलिंग यूनिट को यूज़ किया, भरत भूषण एंड वेंकटेशन एस उदेशी। स्पेशली इफ दे बॉलिंग फर्स्ट तब ये बॉलिंग यूनिट ज़्यादा काम पे देगा, और ये टीम ना आई थिंक चेजिंग अगर हुआ ना तो इनका टॉप ये 3 बैट्समैन इवन पारस रत्नाबरके बहुत ही कैपेबल बैटिंग यूनिट है, तो चेजिंग आई थिंक दिक्कत नहीं होगा अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं हुआ। बट हाँ, बैटिंग फर्स्ट होने से डेफिनेटली इनका बॉलर्स भी प्रेशर क्रिएट करेंगे और इनको भी विकेट मिलेगा। गाइस ये रहेगा फिलहाल मेरा इस मैच का अपडेट, इस मैच का एक और वीडियो साथ साथ फ्यूचर मैचेस का अपडेट डेमोटिव मिलेगा टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे।